हाय एवरीवन, मैं आज ना इस स्टीम क्लीनर का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो कि प्रेस्टिज ब्रांड की तरफ से है और अमेज़ॉन से मैंने बाय किया है। इस तरह की पैकेजिंग में आया था, 7,500 रुपये इसके लिए मैंने पे किए हैं। ये इसकी मेन बॉडी है जो कुछ इस तरह की आती है। इसके साथ आपको डिफरेंट अटैचमेंट मिल जाएंगे, जैसे कि ये वाला अटैचमेंट, ये जो है फ्लोर क्लीनिंग फ्लोर वगैरह के लिए या टाइल्स वगैरह के लिए काफ़ी सही है। उसके बाद है ये डायरेक्ट नोज़ल जो अटैच होता है। इसके साथ आपको मिलता है प्रेशर क्लीनर जो कोने खपचे जहाँ पे आपका बड़ा ब्रश ना पहुँचे उसके लिए सही है। ये छोटा ब्रश गैस वगैरह साफ़ करने के लिए, आपके नल वगैरह साफ़ करने के लिए। दो डिफरेंट साइज़ के आपको ब्रश मिलते हैं और इनके ब्रिसल्स काफ़ी हार्ड हैं तो अच्छे से क्लीन करते हैं। देन आपको मिलता है एक विंडो क्लीनर और ये दो एक्सटेंड पाइप है, यानी कि आप इसे एक्सटेंड करके आराम से ऊपर तक, आपका जहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता है वहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं आराम से। ये विंडो क्लीनर है, इसे आप ग्लास, फ्रिज और डिफरेंट टाइप के जो है सरफेस पे यूज़ कर सकते हैं। नाउ ये मेन बॉडी आ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन ऑफ का बटन है, 15 एम्पियर का जो है प्लग पॉइंट है। यहाँ से खोल के जो है आपको जो है इसमें पानी इंजर्ट करना होता है, तो यहाँ पे जो है पानी इंजर्ट होगा। है पावर प्लग है, कॉर्ड काफ़ी लंबी है तो आप आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। ये पाइप है जहाँ से स्टीम रिलीज़ होती है और यहाँ पे जो आप देख सकते हो कितना लंबा पाइप है, और ये गन है, जब आप इसे प्रेस करोगे तभी स्टीम निकलेगी। प्लस इसमें लॉक ऑप्शन भी है ताकि आप जब चेंज कर रहे हो तो गर्मी से बच सको। नाउ जब आप एक बार इसमें पानी फिल कर देते हो, ये इस तरीके से आपको दो लाइट दिखने लगेंगी। जब ऑरेंज लाइट ऑफ हो जाए दैट मीन्स कि प्रेशर स्टीम जो है अब रेडी हो चुकी है। एक बार जब प्रेशर स्टीम रेडी हो जाए उसमें तकरीबन 12 से 13 मिनट का टाइम लगता है। उसके बाद 2 से 3 मिनट स्टीम जो है कंटिन्यूसली इसमें आती रहती है। मैं इसे ऑफ करके यूज़ करना, यानी बंद पे यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। स्टीम रेडी होने के बाद आपको जो इस गन को प्रेस करना है, आप देख सकते हो कि स्टीम काफ़ी अच्छे से निकल रही है। ये विंडो ग्लास, आप इसे डिफरेंट टाइप के जो सरफेस है वो क्लीन कर सकते हो, जैसे कि ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, आपका कांच का जो आईना हो गया, आपका फ्रिज हो गया, इवन आपका फर्नीचर इससे बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। कंटिन्यूसली स्टीम आ रही है इसमें से, आप देख सकते हो। एक बार अगर स्टीम बन जाए इसमें, जिसमें कि 12 मिनट लगते हैं, उसके बाद आप आराम से इसमें 5 से 6 मिनट तक स्टीम आती रहती है। आपने इसे बस प्रेस करना है और ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। अब जो है मैं आपको फ्लोर अटैचमेंट लगा के दिखा रही हूँ, इससे अगर आप मॉपिंग करोगे तो एक तो सैनिटाइज होगा, जो जर्म्स वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छे से जो है क्लीन हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि इसमें इन्होंने कपड़ा लगा कर जो है आपको मॉपिंग करनी होती है। मैं आपको डेमो के लिए सिर्फ थोड़ा थोड़ा एरिया बता रही हूँ, बाकी मैं सारा बाद में अच्छे से क्लीन करूँगी। बट या ये बहुत ही अच्छे से हर चीज़ को क्लीन करता है, तो इस तरीके से आप इसे फ्लोर पे क्लीन कर सकते हो। ये बड़ा ब्रश लगाकर जो है मैं अपना सिंक क्लीन कर रही हूँ, आप देख सकते हो कैसा प्रेशर आ रहा है। ब्रश वगैरह चेंज कर रहे हो तो ये इस तरीके से गन को लॉक कर दे ताकि स्टीम इससे रिलीज ना हो, ताकि आप ब्रश चेंज कर रहे हो तो आपको गलती से भी स्टीम ना। नोजल से जो है कॉर्नर्स साफ करूंगी प्रेशर नोजल से, इससे जो कॉर्नर्स वगैरह है काफ़ी अच्छे से साफ हो जाते हैं, इवन बाथरूम वगैरह के काफ़ी अच्छे से साफ हो जाते हैं। ये देखिए सुबह यहाँ पे दूध गिरा हुआ था और क्योंकि मुझे ये टेस्ट करना था तो इसीलिए मैंने 2-3 दिन से इसको साफ नहीं किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्रश की मदद से आप जमी हुई चिकनाई वगैरह कैसे क्लीन कर सकते हो। आप इसे मल्टीपर्पज़ वे में क्लीन कर सकते हो, इट्स वेरी वेरी गुड। छोटा ब्रश मैं इंसर्ट करूँगी। सो गाइज, ये जमी हुई चिकनाई को भी आसानी से निकाल देगा। तो ये मेरा छोटा सा डेमो था, लेकिन आप अगर चाहते हो तो मैं एक फुल डेमो भी करने के लिए रेडी हूँ। बस अभी मेरे पास कोई शूट करने के लिए नहीं था, इसलिए छोटा सा डेमो, जितने एंगल से मैं हाथ से पकड़ सकती थी उतना पकड़ के मैंने शूट किया है। तो या बट ये चीज़ काफ़ी यूज़फुल है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छे से स्टीम बनाती है। प्लस
मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको सैनिटाइज भी ये कर देती है आपके पूरे घर को, और सारा कुछ बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। या मेरी तरफ से चीज़ को थम्स अप है, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा। आपके पूरे घर को, चाहे आपका वो टाइल्स हो, आपका बाथरूम, किचन, आपका हॉल, इवन आपके वेसल्स, आपका जो है सिंक वगैरह, सबको ये बहुत ही अच्छे से क्लीन और प्लस सैनिटाइज करती है। इससे सारे मार्क्स जो है आसानी से निकल जाते हैं। एंड या ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही पसंद आया, मैंने इसे अमेजोन से लिया था, तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। या ओवरऑल इस प्रोडक्ट पे आपको 1 साल की गारंटी भी मिलती है। एंड इट्स रियली रियली ईजी टू यूज़। इसमें काफ़ी सारे और भी अटैचमेंट हैं एंड आई रियली लव दिस प्रोडक्ट।